की वाइफ को उठाने जा रहे हैं हम लोग, मतलब मैं उठाएगी नहीं हूँ। ये देखो क्या कंडीशन चल रही है सब जगह, अब ये आगे जाके जाम लगाएंगे सबका सत्यानाश करेंगे दिमाग। चाबियां दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और हम हैं यहाँ पे आज पटनी टॉप पे। ठंडा भी है सारा लॉन निकल जाएगा एक बार में। सुगंधा जी, अमित जी को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? बस आगे से खाई में फेंक दो। रेस्क्यू कर लिया। होटल की चाबी वापस लेके आ गए अपने साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ यहाँ पे, कहाँ पे बता दी, तो मैं हूँ यहाँ पे जम्मू में, क्योंकि मैंने नहीं बताया, कैसे बताती, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और मैं आई हूँ अपने दोस्त के पास में, जो कि ये है देव। तो ये है, तो मैं अपने दोस्त के पास में आई हूँ जम्मू घूमने के लिए, अकेले आई हूँ इस बार। तो ये मत पूछना कि नितेश कहाँ है, नितेश कहाँ पे, क्योंकि वो कोटा में ही है अभी, क्योंकि उनको कुछ काम था और मैं अकेले ही घूमने आ गई। और जम्मू में हम लोग जा रहे हैं पत्नी टॉप। हाँ, तो पत्नी टॉप करके ना, वो पाटनी टॉप है मुझे ऐसा लगता है, पर ये लोग बोले कि पत्नी टॉप है वो, तो वहाँ जा रहे हैं। वो एक हिल स्टेशन है, तो बस वहाँ जा रहे हैं। अभी हम अपने दोस्तों को लेंगे, अपने नहीं मतलब इनके दोस्तों को लेंगे, जो कि मेरे भी थोड़े थोड़े से दोस्त बन गए हैं, फिर उनको लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। तो जाएंगे तब बताएंगे। ओके बाय। देव के दोस्तों को लेने जा रहे थे, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ में आ रहे थे, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है। और अभी उनको टाइम लगेगा, क्योंकि हमने उनको ऑल ऑफ सडन बोला है कि हमें चलना है, तो उनको रेडी होना पड़ेगा। तो वो लोग अभी रेडी होंगे और फिर हम उनको लेने जाएंगे। तब तक थोड़ा सा मेरा क्या, जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, तो मैं थोड़ा सा पेट पूजा करूँगी, नहीं भूख नहीं, जूस पीऊँगी, मैं थोड़ा सा जूस पीऊँगी और रिलैक्स करूँगी। और सबसे गंदी जो चीज़ हुई ना मेरे साथ में, वो हुई है कि यहाँ आते ही मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और मुझे ऐसे हाथ में लेके, इतना बड़ा मेरा हाथ भी दिख रहा होगा, व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। तो पहले मैं सबसे पहले टाइम पास वाला क्या बोलते हैं, टेम्प्रेरी ना वो लूँगी, ट्राइपॉड लूँगी, जिससे मेरा थोड़ा बहुत काम चल सके अगर मिला तो। इतनी बकवास क्यों कर रही हूँ, कट बाय। तीन साढ़े तीन बजे निकले थे और अभी ना 5:30 बज चुके हैं और हम सिर्फ रोडों पे धक्के खा रहे हैं, धक्के में रोड पे ही चले जा रहे हैं। हमने उठा लिया है अमित को और अब अमित की वाइफ को उठाने जा रहे हैं हम लोग, मतलब मैं उठाएगी नहीं हूँ, पर मैंने फिर भी उठा लिया है। हाय, हेलो, तो मुझे चाहिए थे कुछ कपड़े, तो मैंने ले लिए हैं सुगंधा दीदी के सारे कपड़े, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं और कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे तैसे फिटिंग हो गई है मुझे कपड़ों की उनकी, और हमने कपड़े ले लिए। और यहाँ से हमने उठा लिया है, उधर ही नहीं, कहाँ गई, कि मेरे को आपको उठाना था इसलिए जल्दी आओ, तो इनको भी उठाना था हमें और हमने इनको भी उठा लिया है और इन्हीं के हमने कपड़े लिए हैं, क्योंकि हमारे पास में कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैं भूल गई थी लाना। और फिर इन मैडम के कपड़े मुझे आ चुके हैं। लग रहा है मेरे साइज से इनको मेरे कपड़े आने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब लोग आ चुके हैं अब और हम लोग निकलने वाले हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो हम लोग काफी लेट हो चुके हैं इस जगह के लिए वैसे, पर आप यहाँ से व्यूज देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, वाओ, तो हम फंस चुके हैं बहुत बुरे जाम में और सब जगह से सीटियां बज रही हैं। ये देखिए आप कैसे चिल्ला रहे हैं सीटियां बजा बजा के। और अभी हो चुकी है रात और हम नहीं पहुंचे, अभी रात हो गई है, मतलब 8 बज गई है। टनल वो भी तो दिखाओ इनको, वो टनल भी तो दिखाओ इनको। ये लड़की तुम लोगों को टनल वनल कुछ नहीं दिखा रही, बाग बाग से खाली सुबह शाम करके जा रही है। नहीं, मैंने टनल दिखा दी है, तो बेसिकली हम अगर दिन में निकले थे 10 सेकंड की टनल दो ना, 10 मिनट की टनल है, दिखाओ पूरी दिखाऊंगी क्या। हाँ दिखाओ। 3 बजे निकले थे और अभी 8 बज चुके हैं और अभी भी हम रास्ते में ही हैं।
रास्ते में धुआं दे रहे हैं। पहुंच गए आधे रास्ते हम लोग और पहुंचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी शॉपिंग करने के लिए। ये लोग मतलब ये लोग भी कपड़े नहीं लेके आए और मैं तो लाई नहीं थी, तो मेरा तो अरेंजमेंट हो गया था और अब ये लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण यहाँ पे तो हम लोग उतर चुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं पहुंचे हैं। हम लोग अब थोड़ा सा कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ढाबे में किसी रुके हम लोग खाना खाने के लिए, पर पता नहीं था इतना भयंकर वाला जाम लगा हुआ है ना। हम लोग एक दूसरे रूट से आएंगे, आप देखो कितना भयंकर जाम लगा है, क्योंकि ये सिंगल रूट है शायद इस वजह से है, या फिर यहाँ पे पता नहीं ट्रक ज़्यादा चल रहे हैं कि क्या चल रहा है, ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं। इस वाले में खाएंगे ना? ठीक है, ओके। तो ये है प्रेम की हट्टी जो कि बहुत फेमस है। हम लोग पहले यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। देवतांगे वो कहीं और तो जाके नहीं बैठ गए? शायद मैं भी वॉशरूम गए होंगे। प्रेम की भट्टी में भी खाना ख़त्म हो चुका है और सब जगह लगता है खाना ख़त्म हो चुका है, और अब हम लोग किसी और जगह पे सिर्फ चाय पियेंगे और कहीं और खाना तलाश करेंगे। वैसे और भी ढाबे हैं यहाँ पे, 3-4 ढाबे हैं, तो कहीं और खाना तलाश करेंगे। फिलहाल वहाँ खाना तो गाइस अभी हमें बज चुका है 11:30 और अभी तक हम लोग फंसे हैं रोड पे इस तरह इस कदर प्यारे में। अभी तक भी ट्रैफिक ये देखिए आप, अभी तक यहाँ पे जमा हुआ। हम निकले हुए थे 3 बजे की। कानवाई कौन है यार? मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ कानवाई से यहाँ। तो मैंने एक नया वर्ड सुना है कानवाई करके, या कॉनवॉय है या कानवाई है, मुझे एकदम क्लियर नहीं है, पर हाँ तो क्या है उससे रिलेटेड मुझे वापस से बताना है, मैं भूल गई। ट्रक्स जो हाँ श्रीनगर रूट पे, हाँ तो मतलब इनका कहना मतलब ट्रैफिक जमा हुआ है, कोई ट्रक्स जो है फंसी हुई है, ट्रक ही बोला मैंने। तो ना वो फंसी हुई है और इसी तरीके से हम भी फंसे हुए हैं। मैं कानवा नहीं बता पाऊंगी, सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आप ना गूगल कर लेना कि क्या होता है। तो क्या है यार कितनी दूर है ये देखो क्या कंडीशन चल रही है सब जगह। अब ये आगे जाके जाम लगाएंगे और सबका सत्यानाश करेंगे दिमाग, पर कोई बात नहीं गाइस, लग रहे हैं आप गाइस। हम लोग फाइनली इतना पता नहीं कितने घंटों का हमने ट्रैवल करा कर 9-10 घंटे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना घंटे का ट्रैवल करने के बाद अभी फिलहाल 1 बज रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके लिए धन्यवाद गॉड जी। और इतना गंदा मन हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती, पेट में ना ऐसा अजीब सा गुड़गुड़ हो रहा है जिसे शायद चूहे बोलते हैं, वॉमिट सेंसेशन हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पर हम लोग फाइनली पहुँच ही चुके हैं। पर हाँ एक चीज़ अच्छी हुई कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह से लेके बहुत थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा माहौल, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा माहौल रहा है, तो उस जगह पे जरूर पहुंच गए हम लोग, तो ये जरूर चीज अच्छी है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पहुंच के? बस बढ़िया लग रहा है हमें, बस बढ़िया। और क्या, भूख नहीं लग रही है? भूख तो लग रही है, अभी भैया को बोला है कुछ खिला दो, मैंने लंच भी नहीं किया। मगर किस्मत कितनी खराब है ना, भैया को हमने बताई अपनी दास्तान, बोला भैया ऐसी ऐसी बात है खाना, अरे दाल चावल मिलेंगे वो मुश्किल से। तो अच्छी बात है ना, दाल चावल अगर अच्छे रहेगा ना अपन ज्यादा नहीं खा सकते अपन ना, वैसे भी मतलब वैसे। मैंने इनको बोला मैंने कहा कुछ चाय वाय कुछ टेस्टी चीज ऐसे कुछ है, वो भी ये भी मुश्किल से भी देख मिल रहा है जितना खा लो। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी बज चुके हैं 9:30 और मैं उठ चुकी हूँ। तो जैसा कि हम लोग कल कहीं नहीं गए थे और आज हम जाएंगे कहीं, तो कहीं ना लागे मन। वाओ मैं कितनी अच्छी सिंगर भी हूँ। तो अच्छा ठीक है, मैं अभी रूम के बाहर से ना आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रहा है। और अभी धूप नहीं आई है, पर शायद धूप आ सकती है और शायद में भी बारिश भी आ सकती है। ठंड है थोड़ी थोड़ी, आवाज़ में थोड़ी नरमी है। थैंक यू।
ब्रेकफास्ट रेडी और मैं वापस से मतलब तो मैं वापस से अपनी वाइट वाली ड्रेस पहनूंगी क्योंकि मैंने उसमें एक भी वीडियोस अच्छे से नहीं बनाई है। इनफैक्ट मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं करी हैं और मेरे पास ऐसे कपड़े हैं भी नहीं क्योंकि हम लोग ऐसे ही आ गए थे, हमें पता नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ स्टे करेंगे। पहली बार हम पहुँचे रात के 1:30 बजे थे तो इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली सो गए और हमने नहीं दिखाया कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया या कुछ किया कि नहीं किया, डायरेक्टली खाया और फिर सोया और अभी उठे हैं। तो आज जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग तो फिर आपको शो करेंगे और सबसे पहले शायद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो जब जाएंगे जो करेंगे वो बता देंगे, ठीक है। तो गाइज़ मैंने रेडी हो चुकी हूँ वापस सेम ड्रेस के साथ में और सेम लुक के साथ में क्योंकि मुझे बनानी है कुछ वीडियोस और हम जाएंगे अब कुछ राइड्स पे। कुछ राइड्स क्या होता है, मतलब जो राइड्स हमें करनी है उस राइड पे और फिर ब्रेकफास्ट करने। ओके बाय, चलो पलटन, चलो चलो यार अभी लोग दोबारा से मेरा। तो गाइस हम लोग फाइनली होटल से निकल चुके हैं, मतलब ये होटल के बाहर का व्यू है। तो जैसे कि हम लोग है ना मई में आए हैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मतलब जम्मू में ये पटनी टॉप में जहाँ पे हम आए हैं बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। और बस ये है कि अगर आप शायद दिसंबर नवंबर टाइप इस टाइम में आते तो बर्फ़ होता है यहाँ पे, पर यहाँ पे अभी बर्फ़ तो नहीं है पर हाँ गर्मी भी नहीं है, तो बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। तो आप इस टाइम पे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बस तो यहाँ पे कपल्स गोल चल रहे हैं, एक दूसरे को खिलाया जा रहा है। साजिस में शामिल देव साजा तो यहाँ पे ये लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। बस करें भैया मैं सिर्फ खड़े होकर मुंह देख रही हूँ और ये लोग तीनों अपने गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं, इनके गप्पे पीने का पानी है, पहाड़ों से आता है, इसका टेस्ट देखना। ठंडा भी है। उससे ज्यादा तो अपन गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ना घोड़े पे बैठ के ना आप राइड्स भी कर सकते हैं। ये देखें हम, मैंने करी नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि कितना पैसे लेते हैं। पीछे वाइन शॉप भी थी तो अगर किसी को पीनी हो तो जा सकता है वहाँ पे। तो ये बातें सिर्फ वही इंसान बता सकते हैं जो पियक्कड़ लोग हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं। तो जिनको पीना वीना भी है तो शायद आप यहाँ पे आके पी भी सकते हैं, मतलब ये तो ना माहौल माहौल टाइप का। हाँ नो माहौल टाइप है ना, मतलब इतना अच्छा सा बना हुआ है और आप आए और इंजॉय करें यू नो। और अगर चिकन विकन अपना खुद का यहाँ बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ मतलब ओपन कहीं बैठ के यहाँ पे लोग बनाते हैं ना चिकन अपना, मतलब हाँ चिकन आग जला के, आग जला के चिकन बना के साथ में चले। ये बहुत हाँ चाबियां। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और हम हैं यहाँ पे आज पटनी टॉप पे और अभी हम किसी होटल में स्टे करे हुए थे और यस इन अमित महासे ने देखिए क्या काम किया है, गौर से देखिए, होटल की चाबी वापस लेके आ गए अपने साथ में। क्यों पता ही नहीं मेरे जेब में है, वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये वापस जा सके बिना पैसों में। खुद का प्री वेडिंग खुद ही कर रहे हैं, वाओ सही है। अब मैं देखो देखते हैं, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो नहीं लग रहा। अब करेंगे अमित जी स्टंट यहाँ पे और ये हैं स्टंट मास्टर शायद और दौड़ के करेंगे। ओह माय गॉड ट
पैरों को टच करना है, पैरों को टच करना है, ये नाक ऐसे दे ना, ऐसे ऐसे टच। ओ ओ ओ ओ ओ लगी तो देव करने वाले हैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग या फिर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, ये मुझे नहीं आइडिया है। ओके सारा लर्न निकल जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग, तो इसका जो चार्जेस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो आप इसमें आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं जो कि लोग करते हैं, रील्स रील्स बना सकते हैं आप अपनी, और उसके बाद में शायद मैं भी करूँ, पर मैंने ड्रेस ऐसा तो नहीं पहन रखा है, पर कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लूँगी। तो पति देव फोटोग्राफी करते हुए यहाँ पे, चलो अब बना लो भैया, आप चले गए, चले रस्सी भैया, ये मुझे ले जाएगा, नहीं नहीं वाओ, मुझे प्रॉपर्टी, पैर डालो उसमें, चश्मा खोल दो ना यार, थोड़ी देर लगा के रखो फिर लगा, ठीक है। अब ये वाला और हटा दे, वाह ये शॉट अच्छा था ना। चलो देखो मैं अम्मी जी को लेके जा रही हूँ। अम्मी जी को कहाँ लेके जा रही हैं आप? सुगंधा जी अम्मी जी को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? वैसे आगे से खाई में फेंक दो। अम्मी जी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं बेवफाई, ये बेवफाई है। हाँ तो गाइस हमने हॉर्स राइडिंग यहाँ पे कर ली है, बहुत सारे फोटोज और बहुत सारे वीडियोस निकाल लिए हैं, पर मेरे को तो आप जानते हो मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ मेरी चीज़ों से, कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल ही जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, आप व्लॉग्स में देख सकते हैं और रील्स तो मैं डालूंगी, तो उसको देखना ना भूले, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसको मैंने कवर किया है। तो आपका कभी भी मन हो तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं, और बहुत बजट फ्रेंडली जगह है, मतलब इतना भी कोई बजट कुछ लगता नहीं है, आप नॉर्मल सा होटल ले सकते हैं, और राइड्स की प्राइसेस जितनी भी राइड्स हैं ना यहाँ पे, मतलब बहुत सारी राइड्स है वैसे तो, जिप लाइन है और क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ ऐसे बास्केट में रहती है उसमें बैठ के जाते हैं, तो सबका प्राइसेस ऑलमोस्ट ना 1000 रुपीज़ के अंदर ही है सारी जो राइड्स हैं, और जैसे हॉर्स राइडिंग थी वो तो सिर्फ 100 रुपीज़ की थी। तो बस तो अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको इस तरह की स्टॉल्स मिल जाएंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कुछ खा पी सकते हैं। ये देखिए 3-4 शॉप है, वैसे आगे भी शॉप है, ये देखिए। तो आप यहाँ पे ऐसे हट वाले होटल में भी रह सकते हैं, अपना अपना पर्सनल बुक करा के भी रह सकते हैं, ये देखो। और अंदर ही यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। मैं आपको जम्मू की एक फेवरेट या फेमस डिश के बारे में बताती हूँ, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं वापस बोल गई, कुलचा नहीं कलाड़ी, वो है ना ये, अच्छा ये है कलाड़ी, अभी इन लोगों ने खा लिया है तो मुझे आइडिया नहीं है, तो वो यहाँ की ना फेमस डिश है, तो ये यहाँ पे खा रहे हैं छोले 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 कुलचे, अच्छा लग रहा है। हाँ सबको तो मैं दिखा रही हूँ, तीनों जनों को यहाँ पे, और मैंने अब अपने आप को भी दिखाना जरूरी है, तो आप मुझे भी देखे खाते हुए मैं कैसे खा रही हूँ। और ये है आलू के पराठे, और पराठे पराठे पीछे मैं यहाँ पे एक एक पराठा तो सबने खाया, और बाकी पैक करवा लेंगे बच्चे में, और अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे ना आपको हर जगह इतने सुंदर सुंदर से पेड़ देखने का मन करेगा कि आपको ऐसा लगेगा हर चीज़ शूट कर लो, बस हर चीज़ जब शूट करके दिखाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा क्या पेड़ ही पेड़ दिखा दी, पर ना आप देखोगे ना तो आपको इतना सुंदर लगेगा, इतना सुंदर लगेगा कि आपको आने का मन कर जाएगा, इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी आओ यहाँ पे। यहाँ इनके शूट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे देखें आप भी करीबन इस जगह पे एक घंटे से मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ इन लोगों का शूट ही नहीं खत्म हो पा रहा है।
तो मैंने आपसे बोला था कि राइड्स मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन सी यहाँ पे राइड्स होती है, पर मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, और अगर हम लोग यहाँ से लेट निकलते तो हम लोग बहुत नाइट में पहुँचते, इनफैक्ट हम लोग शायद 1-2 बज जाता 3 बज जाता तब पहुँचते हम लोग, तो इसलिए हम अभी निकल चुके हैं यहाँ से। और रही बात राइड्स की, तो कौन कौन सी होती है, तो मैं उसमें क्लिप ऐड कर दूँगी और प्राइस ऐड कर दूँगी कि जब आप यहाँ पर आएँ तो इस तरीके से आप इन्जॉय कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ रील्स और यही बना के इन्जॉय कर लिया है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली, क्या कर रहे हैं आप, तो बस ठीक है, तो मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी और बाकी जो भी चलता रहेगा बताती रहूंगी। थैंक यू। तो हे गाइस, हमें ये वाला एक लोकेशन दिखाया जहाँ पे पानी बह रहा है और हमने सोचा है कि यहाँ पे भी कुछ किया जाए, तो हमें एक नया लोकेशन दिखाया है और चक्कर में मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, जो मैं कपड़े कल एक्स्ट्रा लाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना चेंज कर ले, तो हम लोगों ने कार में ही कपड़े चेंज कर लिए। अब थोड़े से यहाँ पे भी फोटोज लेंगे, ये आपके लिए बना रही हूँ मैं, जैसे आप कहीं पे भी आए ना तो आपको मैं पॉइंट्स दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ रुक के आप फोटोज वीडियोज है ना कर सकते हैं कौन कौन से स्टाइल में। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस पॉइंट का कोई नाम पता नहीं है मुझे, पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही एक रास्ते में एक पॉइंट पड़ गया था, होपफुली आपको आवाज थोड़ा सा क्लियर आ रही हो, मैं दिखाती हूँ पास में, ये देखो यहाँ पे बैठ के आप अपने इस तरीके से फोटोज बना सकते हैं। Very nice. जब आपको हंसी ना आए तो हंसे। और इसके बाद सेकंड पोज, ये वाला बहुत कॉमन है तो आप ये वाला पोज ना करें ऐसे करके, हाँ तो ये बहुत गंदा पोज लगेगा, आपको ऐसे पोज नहीं करने हैं। ठीक है, तो आप टांगे उठाएंगी और ऐसे कर सकते हैं। मैं डूब चुकी थी और अमित जी मुझे बताने भी नहीं आए, बताने भी नहीं आ रहे, बचाने भी नहीं आए, बचाना क्या था, क्या? पता ही नहीं चलने दिया तूने यार, कैसे गिर गया यार, मेरे को ये मूवमेंट ही नहीं मिलता डूबने वाला, नहीं यार यार पूरी डूब गई थी यार इसमें, है ना पानी ही तो है, मैंने कहा इसमें पूरा ये थोड़ा सा पानी दिख नहीं रहा है, बीच में पूरा घुस गई थी ये, तो ये शू चल रहा है क्या? हां लाओ मैं बताता हूं, मैं वही तो बोल रही हूं। तो गाइस अभी हम लोगों का एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग शूट नहीं कर पाए यहां पे क्योंकि कैमरा बंद करना पड़ा, तो जैसे ही सुगंधा आगे गई वो पानी में गिर गई और मैं उनको बचाने की चक्कर में मैं खुद भी स्लिप हो गई, फिर ऐसे हम लोग दो दो बार स्लिप हो गए, तो मगर आगे मत जाना प्लीज यार, आगे मत जाओ यार, मत जाओ वहाँ पे स्लिप करेगा, इधर आ जाओ, पता नहीं इधर से आओ, उधर मत जाना, पता क्यों, उधर आप आओगे पानी में, मेरी भी वीडियो बना दोगे, बट डालोगे ना यार, वो वाला सही था, मतलब अगर हुआ होगा ना बाय बाय डूबने वाला, वो शायद हुआ है, पर अगर मैं गिरती रहना ना फिर कोई पानी में घुसता भी नहीं, सैक्रिफाइस, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, इतना ठंडा पानी ना, जैसे फ्रिज का पानी होता ना, सेम टू सेम रहता है। भाई आप हम दोनों में से कोई भी नहीं आएगा जिसको पता है, मुझे तैरना आता है यार, तुम तो चुप ही जाओ, क्या हुआ, आपने हमें देखा, पर बहुत रिस्की है, प्लीज आप ना आए इस तरीके, बस पहले से फिर ना हम लोग पहले, हाँ अब आओ, मैं सोच रही हूँ आ जाओ यार, रुको रुको रुको, मैं तो बैठ गई, क्या करूँ यार, सब आ गए, जब जब मैं बोलूँ जब मेरे की नहीं गिर रही माता, तो थोड़ा तो मैंने पहले भी था, बट जब करो बस, हाँ बस रेस्क्यू कर लिया मैंने, मुझे कॉन्टेक्ट करें 900 तो गाइज आज का एंटरटेनमेंट मतलब ये जो वाला स्टंट बाजी है यही खत्म होती है, अब देखते हैं मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है या फिर ये गीले कपड़े लेके जाना है। हाँ, और एक ये है स्टंट मैन, यहाँ देखें आप, अभी सबको बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ, मैं जानू मैं जानू मैं
घर आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बच गए हैं आप? हाँ। किसने आपको रेस्क्यू किया ये भी बताएं पहले आप। देवराज को। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब पहले तो मैं खड़ी थी पास में, मैंने पकड़ा, मैंने बचाया, मुझे तो भूल ही गई, मुझे तो भूल ही गई। नहीं बस बहुत खराब हुआ। अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए दूसरी बार दूसरा टेक खराब नहीं हो, सच सच्ची है वो, सच की जुबान। फुटेज नहीं देंगे भाई, हम भी कलाकार हैं छोटे मोटे सही। कहेंगे अलविदा बाय। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और हम लोग यहाँ पे घर आ चुके हैं, और ब्लॉग की एंडिंग कुछ इसी तरीके से करनी पड़ेगी क्योंकि हमने बाहर नहीं की थी। तो अब ब्लॉग का एंड कर देते हैं क्योंकि ये दिन भी ख़त्म होता है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें कि आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। बस ये कॉमेंट मत करना कि नितेश कहाँ है, नितेश कहाँ है, वो अपने घर पे है, जैसा कि मैंने व्लॉग स्टार्ट होते ही बोल दिया था क्योंकि उनका कुछ काम था, इस वजह से मैं अकेले आ गई थी यहाँ पे। तो ठीक है, कॉमेंट करें फटाफट से, पर कुछ अलग। बाय।